हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेट कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स के सिलेबस के रिगार्डिंग में। कॉमर्स के सिलेबस में 10 यूनिट्स होती हैं। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। जो कॉमर्स के रिगार्डिंग में मुझे बेस्ट बुक लगी वो मैंने आपको बता भी रखी है, और वो बेस्ट बुक हैं। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, और ये सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, ट्रेंड इन FDI, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो भी ये ट्रेड क्रिएशंस के इफेक्ट्स होते हैं, एशियन सार्क, नाफ्टा, ये सब जो यूरोपियन यूनियंस हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गैट्स स्ट्रीम्स। तो फ्रेंड, जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस है, इससे भी हमारा 10 to 12 क्वेश्चन नॉर्मली आते ही आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करें। इसमें ये एशियन सार्क, नाफ्टा, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप अच्छे से करें और पढ़ें इसे अच्छे से। उसके बाद है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में है अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, पार्टनरशिप अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, अकाउंटिंग के जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है आगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ये बहुत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इन सब के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में आप अच्छे से पढ़े फ्रेंड्स, इनके कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से क्लियर करें, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। तो यही है इसमें इम्पॉर्टेंट, तो जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स है, पार्टनरशिप अकाउंट, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के रिगार्डिंग में आप अच्छे से पढ़ें, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद है थर्ड यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो बेसिक है ये तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, AR MR इनके बीच का रिलेशनशिप क्या रहता है वो डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है, उस रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़ें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर बिहेवियर जो भी कर्व्स वगैरह होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो मार्केट्स हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पेपर में मिल जाती हैं, लाइक मैचिट टाइप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि 4 मार्केट्स के नेम लिख दिए जाएंगे, जैसे परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ऐसे ही मोनोपोली के अलग जो भी उसकी फीचर है,
ओलिगोपोली इन सबको लिख दिया जाता है, और फिर साइड में जो वो लिखा जाता है, और फिर बोलते हैं कि फोर इधर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फोर इधर मार्केट्स लिख दी जाएंगी कि इनको मैच इट करो। तो फिर हमें उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो इनको राइट मैच करता होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद प्राइजिंग स्ट्रेटजीज हैं, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनरेशन, पीक लोडिंग प्राइस, इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। उसके बाद यूनिट फोर बिजनेस फाइनेंस, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, और जो इसमें ये दे रखे हैं ADR, GDR, यूरो करेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ना फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट फाइव बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। देखो फ्रेंड्स, रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो अच्छे से करने हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है यहाँ से, 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं मेथड से, तो वो आपको अच्छे से बिल्कुल करने ही हैं। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ये सिलेबस में दे रखा है, तो इसमें से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन जो आने ही आने हैं मैं आपको वो बता रही हूँ कि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनको एकदम अच्छे से कर लेना बिल्कुल। और अभी तो फ्रेंड्स आपके पास टाइम है जून के एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट के साथ साथ वो भी करो जो सिलेबस में सारा मेंशन है, और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो तो आप बिल्कुल करो ही करो, तो आपको अच्छे से करने हैं ये। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ लिया हमने, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके रिगार्डिंग में मैं सारी वीडियोज़ जो है आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगी, आप बस हमारे साथ बने रहें। रिसर्च कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप, रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इनडायरेक्टली फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। स्टेटमेंट और एसोसिएशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और वो तभी हो पाते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बिल्कुल हमने अच्छे से जो है पॉइंट्स को पढ़ा होता है। फिर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, ची स्क्वेयर टेस्ट, मान विटने टेस्ट, ये सारे जो क्रुशकल वॉलिश टेस्ट, एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रिपोर्ट राइटिंग, तो ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से करने हैं बिल्कुल। यूनिट सिक्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक सिचुएशन लिख दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताइए ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, फिर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस पर आपको क्लिक करना होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कोई सिचुएशन या फिर कोई स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाता है। इनडायरेक्ट वे में ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, डायरेक्ट वे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज जो होते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड, या फिर जो एरर से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो फॉर्मूले होते हैं मीन मेडियन मोड के, वो डायरेक्टली पूछ लिए, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, और कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी में परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद है फ्रेंड्स यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक। देखो फ्रेंड्स, जो भी ये बैंक है ना, इनका मेन ब्रांच कहाँ पे है, और इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि कौन सा बैंक जो है वो कब डेवलप्ड हुआ था, कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, कौन सी सिटी में डेवलप हुआ था, और जो भी इनके रोल रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, फंक्शंस क्या रहते हैं इनके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और
जो भी इंश्योरेंस में जैसे टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है फ्रेंड्स. उसके बाद है यूनिट 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट में चैनल्स क्या क्या रहते हैं इसके, और जो भी मार्केटिंग की सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग और पोजिशनिंग है, प्रोडक्ट डिसीजन है, कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट लाइन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है फ्रेंड्स. और कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, बाइंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है. कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ट्रेंड्स क्या होते हैं मार्केटिंग में, जैसे कि सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. उसके बाद है फ्रेंड्स यूनिट 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. इसमें ये एक्ट है जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आरटीआई एक्ट 2005, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में. तो ये जितने भी एक्ट हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं फ्रेंड्स. इन एक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल. इनके जो मतलब जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कॉम्पिटिशन एक्ट कौन से ईयर में बना. 2001, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको 2 पे ही क्लिक करना है. नॉर्मल सी बात है 2002 है, तो अच्छे से आपको अगर आप ये अच्छे से पढ़ा हुआ होगा आपने तो आप कर पाओगे फ्रेंड्स. तो इनको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एक्ट हैं इनको अच्छे से आपने पढ़ना है, और इनके अंदर जो मैटर है, इनके फंक्शंस, इनके जो काम हैं वो आपको पढ़ने हैं, और कैसे इनमें डिस्चार्ज होता है, रेमेडीज जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. उसके बाद है यूनिट 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस जैसे होता है ना कि 180 डेज इंडिया में रह रहा है ये टाइप, इस टाइप से रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है. जो भी टैक्स की डिडक्शंस होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, और जो एग्रीकल्चर के लिए जो डिडक्शंस मिली हैं, और जो अलग अलग डिडक्शंस हैं 80 से लेकर 80U तक, वो सारी डिडक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी है. तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि ये डिडक्शन कौन से हेड के अंदर आती है, ये सारी चीज़ें जो वो हेड हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है. हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सारी सैलरी, तो ये जो हेड हैं इनकम्स के, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं टैक्स के रिगार्ड में, और जितनी भी डिडक्शंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें तो आपको इसे बहुत बेनिफिट होगा फ्रेंड्स. और इसके रिगार्ड में मैंने बुक्स जो इम्पोर्टेंट बताई है उसकी वीडियो मैंने डाल दी अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. और आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहे, हम आपको सारी वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. पूरे पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 के रिगार्डिंग में आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी. बस आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कंटिन्यू योर स्टडी, अपनी स्टडी करें. थैंक यू फ्रेंड्स.